ऑडियो 7 प्राण चिकित्सा विज्ञान। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मानसिक चिकित्सा। रोगों का एक और भी कारण है, वह है बुरे विचार। नीच और हीन विचार करने से मनुष्य का स्वास्थ्य गिरने लगता है और वह शरीर के अंदर असाधारण परिवर्तन करता हुआ एक दिन रोग के रूप में प्रकट होता है। आदमी को सदैव हंसमुख रहना चाहिए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नाचती रहे तो गिरा हुआ स्वास्थ्य भी सुधर सकता है, किंतु इस प्रकार की प्रसन्नता, परोपकार, प्रेम, सहानुभूति, उदारता और सच्चाई आदि गुणों के कारण प्राप्त होती है। हर घड़ी स्वार्थ, भय, चिंता, अनुदारता और लोभ के विचार जिसके मस्तिष्क में भरे रहेंगे वह जरूर बीमार होगा और समय से पूर्व कुत्तों की मौत मर जाएगा। प्राण चिकित्सक सबसे अधिक ध्यान रोगी के मस्तिष्क और उसकी भावनाओं पर देता है, क्योंकि समस्त शरीर पर मन का शासन है। उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने से समस्त शरीर प्रभावित होता है। शरीर के समस्त ज्ञान तंतु मस्तिष्क से संबंधित हैं और वहीं से प्रेरणा प्राप्त होती है। मन में जो क्रियाएँ होती हैं उनका असर रस उत्पन्न करने वाली विभिन्न स्थानों की ग्रंथियों, पाचन अवयवों और शरीर के अन्य अंगों पर तुरंत प्रभाव पड़ता है। देह के हर भागों के बाल में बाल से भी पतले ज्ञान तंतु फैले हुए हैं और इन ज्ञान तंतुओं को मस्तिष्क की अधीनता में रहकर सारा काम करना पड़ता है। मस्तिष्क में अच्छे विचार होने पर स्वास्थ्य सुधरता है और निराशा और भय के भाव होने पर दिन दिन गिरता जाता है। इसलिए रोगी में प्राण शक्ति भरने के साथ साथ उसका मानसिक उपचार भी करना चाहिए। बुरे विचार अपने साथ चिंता, भय, क्रोध, कलह आदि लाते हैं और ये ऐसी अग्नियां हैं जो थोड़े ही दिनों में सारा भाग जलाकर आदमी को खोखला कर देती हैं। इस संबंध में कुछ प्रसिद्ध शरीर शास्त्रियों की सम्मतियां नीचे दी जाती हैं। डॉक्टर ऑल्टन लिखते हैं, भय, ईर्ष्या, घृणा, निराशा, अविश्वास और मानसिक विकार शरीर की स्वाभाविक क्रियाओं को मंद करके खून को सुखा देते हैं। डॉक्टर वेन लिखते हैं, संताप और मनोव्यथा के कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई और अनेक का मस्तिष्क खराब हो गया। इस प्रकार का परिणाम स्वाभाविक ही है। डार्विन साहब कहते हैं, चिरकालीन चिंता से रक्त की गति धीमी हो जाती है और चेहरे पर पीलापन, मांसपेशियों में शुष्कता आ जाती है, पलकें झूल पड़ती हैं, छाती बैठ जाती है, गर्दन झुक जाती है एवं होंठ, सिर, जबड़ा आदि गिर जाते हैं। हंसते आदमी पर घोर उदासी छा जाती है। मनोविज्ञान शास्त्री अल्फम मेरियम कहते हैं, क्षोभ के कारण कई व्यक्ति अचानक मर गए। मानसिक क्षुब्धता शरीर पर ऐसे अनिष्टकर परिणाम उपस्थित करती है जिससे वह मुर्दा कहा जा सके। सर रिचार्डसन का अनुभव है, मानसिक कष्ट से होने वाला प्रमेह ठीक शारीरिक कारणों से होने वाले प्रमेह के समान होता है। सर जॉर्ज पैगोट बताते हैं, असंख्य रोगियों को देखने के बाद मुझे यह पक्का विश्वास हो गया है कि फोड़े होने का कारण चिरकालीन चिंता होती है। डॉक्टर मुर्चीसन का एक कथन है, कई रोगियों की जांच करने पर यह स्पष्ट हो गया है कि जिगर के फोड़े का कारण पुरानी चिंता या मानसिक दुख होता है। डॉक्टर मैड्रले बताते हैं, निश्चय ही मानसिक क्षोभ के कारण शरीर की वृद्धि में रुकावट आती है और धमनियाँ अपना काम ठीक प्रकार से करने से इनकार कर देती हैं। डॉक्टर एमर गेट्स का दावा है, क्रोध, निराशा और क्षोभ शरीर में भयंकर विष उत्पन्न करते हैं जिससे भारी हानि होती है। डॉक्टर मसोका का अनुभव है, कंप, अपस्मार, मसूड़ों के रोग और धनुर्वात भय से ही उत्पन्न होते हैं। डॉक्टर तुकेने का कथन है, पागलपन, लकवा, हैजा, यकृत रोग, बालों का जल्दी सफ़ेद होना, गंजापन, रक्त की कमी, गर्भपात, मूत्र रोग, चर्म रोग, फोड़े, पसीने की अधिकता, दांत जल्दी गिरना आदि रोगों की जड़ में भय या संताप छिपा होता है। हैजा या प्लेग से मरने वालों में बीमारी से मरने की अपेक्षा भय से मरने वालों की संख्या अधिक होती है। इन महत्वपूर्ण सम्मतियों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मन में बुरे विचार लाने से शरीर का बड़ा अनिष्ट होता है। स्वस्थ रहने की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि सदैव प्रसन्न रहें और बुरे विचारों को अपने पास न फटकने दें। जिन रोगियों को बुरे विचार घेरे हुए हों उन्हें धर्मोपदेश एवं सत्य मार्ग के संबंध में शिक्षा देनी चाहिए। यदि वह तात्कालिक कोई उदारता एवं त्याग का कार्य कर सकता हो तो वैसा कराना चाहिए। व्रत अनुष्ठान, जप, गोदान, अन्नदान आदि कार्य बीमारी दूर करने के लिए कराने का हिंदू धर्मशास्त्रों में
विधान है और उसका पालन निष्ठापूर्वक होता है। इन कार्यों में रहस्य यह है कि रोगी में त्याग और उदारता की भावनाएं पनप जाएं और वे कठिन कष्ट को दूर कर दें। जिन रोगियों को आर्थिक सुविधा ना हो उन्हें राम नाम, गायत्री या अन्य मंत्र जपने की सलाह देनी चाहिए और इससे रोग मुक्त हो जाने का उसे तर्क एवं उदाहरण सहित विश्वास करा देना चाहिए। विचारों का स्वास्थ्य पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। कई बार तो निरोग लोग भ्रमपूर्ण कल्पना कर लेते हैं, उसके अनुसार बीमार पड़ जाते हैं और मर तक जाते हैं और कई बार मरणासन्न रोगी अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उठ बैठते हैं और नई जिंदगी प्राप्त कर लेते हैं। एक बार एक स्कूल के खिलाड़ी लड़के छुट्टी पाने में सफल प्रयत्न हुए। कुछ लड़के चाहते थे कि उन्हें पढ़ने से छुट्टी मिल जाए। उन्होंने एक तरकीब सोच ली। जब मास्टर साहब आए तो एक लड़के ने जाकर पूछा, आपका चेहरा उदास क्यों है? अध्यापक को उदासी का कुछ पता न था। उन्होंने एक बार अपनी ओर देखा और गंभीरतापूर्वक कहा, भाई मुझे तो ऐसी कोई बात मालूम नहीं पड़ती। थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का आया और उसने कुछ चिंतित सा मुंह बनाकर कहा, आपको आज ज्वर आ गया सा मालूम पड़ता है। अब मास्टर साहब का संदेह बढ़ा और उन्होंने अपनी नब्ज टटोलना शुरू किया। संदेह के कारण भ्रम बढ़ा और सोचने लगे, यह लड़के झूठ थोड़े ही बोलते होंगे, शायद मैं अपने मर्ज को ठीक प्रकार पहचान नहीं पा रहा हूँ। इतने ही में तीसरा लड़का आ पहुँचा। उसने आग्रह पूर्वक कहा, बुखार की हालत में आपको आराम करना चाहिए। पहले निश्चय के अनुसार और लड़के भी आ पहुँचे और उन सब ने मास्टर साहब को ज्वर आ जाने की बात का समर्थन किया। अब तो अध्यापक का भ्रम इतना बढ़ा कि उन्हें सचमुच बुखार आ गया और मदरसे की छुट्टी करके घर को चले गए। अमेरिका के एक होटल में एक पुराना और बहुत ही दुर्बलकाय मरीज ठहरा हुआ था। वह अच्छी तरह चल फिर भी नहीं सकता था। अचानक उस होटल में आग लग गई। मरीज इस विपत्ति को देखकर घबराया और अपने प्राण तथा सामान बचाने के लिए आवेश में आ गया। वह कई मंजिल ऊंचे मकान से कुछ सामान लेकर उतरा और अवसर पाकर अधिक सामान बचा लेने के लिए 7 बार ऊपर चढ़ा और उतरा। उसी दिन से उसका पुराना रोग भी चला गया। इसी प्रकार लकवे से पीड़ित एक स्त्री का रोग दूर हुआ। उस नगर में जब जोरदार भूकंप आया तो सब लोग अपने प्राण बचाने के लिए भागे। इस अपाहिज स्त्री की किसी ने खबर भी न ली, किंतु वह स्त्री भी चली और घसीटते घसीटते कई मील का रास्ता पार करके सुरक्षित स्थान पर पहुंची और साथ ही रोग से भी मुक्त हो गई। डॉक्टर स्काफील्ड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मेरे इलाज में एक विषम ज्वर की रोगिणी आई। उसे संदेह होने लगा था कि कदाचित यह रोग मेरा प्राणघातक होगा। उसने एक दिन मुझसे कहा, क्या मैं इस रोग से मर जाऊंगी? मैंने कहा, जरूर, निश्चय ही। अब उसने मेरी ओर बड़ी कातर दृष्टि से देखा और कहा, क्या आप मुझे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? मैंने उत्तर दिया, जब तुम सोचती हो कि मैं मर जाऊंगी तो फिर तुम जरूर ही मर जाओगी। ऐसी दशा में तुम्हारे लिए कुछ प्रयत्न करना भी बेकार है। वह घबराई और पूछने लगी, क्या मेरे विचारों पर ही मेरा जीना निर्भर है? मैंने कहा, तुम यदि मजबूती के साथ विश्वास कर लो कि मैं अच्छी हो जाऊंगी तो निश्चय ही तुम्हें बचाया जा सकता है। उसने वैसा ही विश्वास करने का वायदा किया और बहुत जल्द अच्छी हो गई। एक बार यूरोप के एक नगर में किसी अपराधी को मृत्यु की सजा दी गई। डॉक्टरों ने उस अपराधी को अपनी क्रिया द्वारा मार डालने की अदालत से स्वीकृति ले ली। अपराधी को एक मेज पर लिटाकर उसकी आंखों से पट्टी बांध दी गई और गले के पास एक छोटी पिन चुभो दी गई, जिससे एक दो बूंद खून निकल आया। उसी जगह पर ऊपर से एक पतली नली द्वारा पानी बहाया गया, जो उसकी गर्दन पर होता हुआ मेज से नीचे टपटप गिरने लगा। अपराधी को विश्वास हो गया कि उसकी नस काट दी गई है, जिसमें होकर खून बह रहा है। थोड़ी देर में उसके सारे शरीर का खून बह जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने इन बातों पर विश्वास कर लिया और केवल 10-5 बूंद खून निकलने पर ही भय के कारण कुछ ही देर में मर गया। स्विट्जरलैंड के बड़े अस्पताल की रिपोर्ट में ऐसे कई विचित्र उदाहरण हैं। सांप के काटने पर एक मरीज अस्पताल में दाखिल हुआ और बहुत कोशिश करने के बाद भी मर गया। डॉक्टरों ने लाश की परीक्षा की, किंतु उसमें एक रत्ती भर भी विष न था। जिस स्थान को सर्प द्वारा काटा हुआ समझा गया था वह मामूली खुरसट साबित हुई। इसी प्रकार एक मरीज ऐसा मरा जो यह कहता था कि गलती से दवा के बदले जहर पी गया है। उसके मरने पर सब तरह की तहकीकात कर ली गई कि उसने दवा को ही पिया था, गलती से जहर का लेबल लग गया था। एक व्यक्ति अस्पताल में ऐसा दाखिल हुआ
जो यह कहता था कि मैं अपने मुंह में लगे हुए चार नकली दांतों को निगल गया हूँ और उनकी पीड़ा से छटपटा रहा हूँ। डॉक्टर हैरान थे कि इसके पेट में तो कुछ भी नहीं है। इतने में ही उसकी स्त्री आई और उन चारों दांतों को दिखाती हुई बताने लगी कि यह तो तुम्हारे कोट की जेब में रखे हुए थे। रोगी अपनी गलती पर शर्माया और चुपचाप अस्पताल से उठ गया। प्लेग, हैजा, इन्फ्लुएंजा आदि बीमारियों में जितने आदमी मरते हैं उससे बहुत अधिक डर के मारे मर जाते हैं। इन सब बातों पर विचार करने से यह अवश्य प्रतीत होता है कि प्राण चिकित्सा के साथ साथ रोगी का मानसिक इलाज भी किया जाए। मानसिक परिवर्तन की शक्तिशाली क्षमता प्राप्त करने के लिए और दूसरों को दृढ़तापूर्वक अपना इच्छानुवर्ती बना लेने का एक अलग विज्ञान है, जिसकी पूर्ण जानकारी हमारी ही पुस्तक परकाया प्रवेश में है। यदि वे विधियां ना मालूम हों तो भी इस विषय में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेना चिकित्सकों के लिए आवश्यक है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि मन के दो भाग हैं, एक प्रकट मन कॉन्शियस माइंड और दूसरा गुप्त मन अनकॉन्शियस माइंड होता है। साधारण सोचने विचारने तर्क करने आदि का काम प्रकट मन या स्थूल दिमाग से होता है, किंतु जीवन के अधिकांश गुप्त और महत्वपूर्ण काम गुप्त मन द्वारा होते हैं। जो बातें हमारी पुरानी स्मृति में पड़ जाती हैं वह गुप्त मन में जमा होती हैं। आदतों के बीज गुप्त मन में जमते हैं। बाहरी मन किसी व्यसन को बुरा समझता है और उसे छोड़ना चाहता है, पर भीतर ही भीतर उस काम को करने की प्रेरणा करता है। यह कार्य गुप्त मन का है। एक आदमी के मरने पर तुम्हें कुछ भी दुख नहीं होता, किंतु यदि कोई सगा संबंधी मर जाए तो दुख में विकल हो जाते हो कि बहुत से आदमियों को देखते ही कोई विशेष बात नहीं होती, किंतु किसी खास आदमी की ओर ऐसे आकर्षित हो जाते हो जो उससे मिले बिना और देखे बिना चैन नहीं पड़ता। प्रकट मन पर घटनाओं का कोई खास असर नहीं पड़ता, किंतु यदि वह बात इतनी तीव्र हो कि गुप्त मन तक उतर जाए तो उसका असाधारण असर पड़ता है। यह गुप्त मन अधिक तर्क वितर्क करना नहीं जानता, किंतु उसमें जो बात एक बार भर दी जाए बहुत समय तक ग्रहण किए रहता है। चूंकि हृदय की धड़कन, रक्त संचार, श्वासोच्छ्वास, पाचन क्रिया, निद्रा, जागृति आदि शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाएं उसी मन द्वारा की जाती हैं, इसलिए जिन धारणाओं को गुप्त मन ग्रहण कर लेता है उनका निश्चय पूर्वक शरीर पर असर पड़ता है। एक बार एक शिकारी पर एक शेर ने आक्रमण किया। उसके साथियों ने शेर को बंदूक से मार दिया। शिकार को खरोंच ही लगी थी, पर उसने अपने को बुरी तरह आहत हुआ समझा और डर के मारे मर गया। कई बार नए डॉक्टर उन रोगों के शिकार हो जाते हैं जिनको कष्ट साध्य रोगों से पीड़ितों का इलाज करना पड़ता है। लकवा के मरीज का इलाज करते करते एक डॉक्टर स्वयं लकवा का पीड़ित हो गया। कई अपराधी फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। होता यह है कि किसी कारण गुप्त मन किसी बात को स्वीकार कर ले तो तुरंत ही शरीर उसका अनुवर्ती बन जाता है। इसी गुप्त मन पर प्रभाव डालकर तुम रोगी को अच्छा कर सकते हो। प्रकट के नीचे गुप्त मन है। साधारणतः प्रकट मन में होती हुई सूचनाओं को बिना तर्क वितर्क के और कुछ उछले कूदे बिना बाहरी मन किसी की बात को नहीं मानता, और मान भी ले तो इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण नहीं करता कि उसका असर गुप्त मन तक ज्यों का त्यों रास्ते में बिना छने पहुंच जाए। धीरे धीरे बहुत समय तक प्रयत्न करने पर तो यह भी हो सकता है, पर बीमारी की दशा में इतना अवकाश नहीं होता। उस समय तो ऐसे उपचार की आवश्यकता होती है जो जल्द से जल्द कोई आश्चर्यजनक परिणाम दिखा सके। ऐसी दशा में इस बात की जरूरत होती है कि प्रकट मन को एक तरफ लटकता छोड़ दिया जाए और सीधा गुप्त मन से संबंध स्थापित कर लिया जाए। मैस्मेरिज्म की क्रिया द्वारा यही होता है। वेधक विद्युत द्वारा प्रकट मन को निद्रित कर देते हैं और गुप्त मन से सीधा संबंध स्थापित कर अद्भुत तमाशे कराते हैं। प्रकट मन को निद्रित करने या दूसरे तरीकों से सीधे गुप्त मन तक पहुँच जाने की विस्तृत और सर्व सुलभ विधियाँ तो परकाया प्रवेश पुस्तक में बताई गई हैं, पर यहाँ शिथिलीकरण का एक साधारण सा विधान बताया जा रहा है जिसके अनुसार बिना किसी विशेष अभ्यास के भी रोगी के गुप्त मन तक थोड़ा बहुत संदेश पहुँचाया जा सके। तुम बिना परकाया प्रवेश को पढ़े रोगी के प्रकट मन को अपनी शक्ति से निद्रित नहीं कर सकते, इसलिए रोगी को स्वयं निद्रित हो जाने का आदेश करो। यदि वह बहुत कृश हो गया हो तो बिस्तर पर ही पड़ा रहने दो, सिर कुछ ऊँचा उठा हुआ रहे। रोगी से कहो कि वह अपने अंगों को सीधा कर ले और शरीर जितना ढीला छोड़ सके छोड़ दे। उसे अपना शरीर लकड़ी की तरह जड़ ख्याल का
ख्याल करना चाहिए और किसी अंग से कुछ भी काम न लेकर सारी देह को स्वतंत्र बिल्कुल ढीली छोड़ देना चाहिए। वह मस्तिष्क को भी खाली कर दे और उसमें जो भी भले बुरे विचार चल रहे हों उन्हें छोड़ दे। रोगी को हिदायत करो कि वह तुम्हारे चेहरे को अधखुले नेत्रों से देखे और भावना करे कि समस्त संसार शून्य है और उसमें केवल यही एक सिर है। थोड़ी देर में उसके पलक झपकने लगेंगे। वह चाहे तो आंखें बंद भी कर सकता है, पर आंखें मूंद लेने पर भी सिर के मानस को देखना न भूलें। इस प्रकार 5 से लेकर 10 मिनट के भीतर वह अर्ध तंद्रित हो जाएगा और उसका बाहरी मन शांत होकर तंद्रा से गिरने लगेगा। यदि इस प्रकार की झपकी ना आए तो भी कुछ हर्ज नहीं, शरीर का शिथिल हो जाना भी पर्याप्त है। अब तुम अपने मुंह को रोगी के कानों के निकट ले जाओ, 1 फुट से अधिक का फासला न हो। जो मंत्र तुम्हें रोगी के गुप्त मन तक पहुंचाना है उसके लिए पहले से ही तैयार होना चाहिए। मंत्र ठीक तरह से याद हो, उस उच्चारण धीमा स्पष्ट और दृढ़ हो। बीच बीच में मंत्र की श्रृंखला टूट जाने या कुछ का कुछ कहने लगने से एवं कर्कश वाणी में कहने से रोगी पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। मंत्र का उच्चारण करते समय प्रेम, प्रसन्नता, विश्वास और दृढ़ता के भाव तुम्हारे अंदर होंगे तो वह बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। आरंभ में उच्चारण बहुत ही धीमा हो जिससे रोगी एकदम चौंक न उठे। बात को स्वर ऊंचे कुछ ऊंचा किया जा सकता है। रोगी के दाहिने कान की ओर मुंह ले जाकर कहो, अब तुम शांत आनंदित होकर विश्राम ले रहे हो। तुम्हारे शरीर की प्रत्येक मांसपेशी शिथिल होकर विश्राम कर रही है। तुम्हारा श्रद्धालु मन हमारी सूचनाओं को श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर रहा है। ये सूचनाएं उपजाऊ भूमि पर वो एक बीज की तरह उगेंगी और तुम्हारे स्वास्थ्य को सुंदर एवं हरा भरा कर देंगी। तुम्हारा आमाशय बलिष्ठ 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 और आवश्यक भोजन को पचाने में समर्थ, इच्छुक एवं उद्दत है। वह आज ठीक अभी से काम करने में तत्पर हो गया है। तुम्हारा रक्त सजीव, सतेज और गर्म होकर समस्त नाड़ी तंतुओं में जोर से भ्रमण करने लगा है और हरे जर्रे में बल, चेतनता और निरोगीता उत्पन्न कर रहा है। मैं तुम्हारे थके हुए अंगों में स्फूर्ति भेज रहा हूँ और उन्हें नवीन स्वास्थ्य, बल, पौरुष और तेज से भर रहा हूँ। अब तुम्हें तुरंत ही सुधार, उन्नति और शांति का अनुभव होगा। जो आनंद और निरोगिता के विचार तुम्हारे अंदर डाले जा रहे हैं वह सारे कष्टों को हटाकर दूर कर देंगे। अब आनंद, सुख, शांति, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और सुंदरता को अच्छी तरह याद कर लो। इन्हें बार बार दोहराते रहो क्योंकि इन्हीं का वातावरण चारों ओर भर दिया गया है। यह मंत्र या इसी भावार्थ का कोई और मंत्र भी तुम बना सकते हो। शब्द ऐसे हों जिन्हें रोगी अच्छी तरह समझता हो। रोगी की परिचित भाषा में इनका अनुवाद भी किया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार घट बढ़ भी की जा सकती है। परंतु याद रखो कि सूचना में उन्नति सूचक शब्दों का ही प्रयोग करो। तुम्हारा रोग, पीड़ा, कष्ट आदि दूर हो जाएंगे। ऐसा कहने से इन शब्दों का भी चित्र रोगी के गुप्त मन पर जम सकता है। उपर्युक्त मंत्र को कई बार दोहराना चाहिए, साधारणतः 3 बार काफी है। उच्चारण के समय हर शब्द धीरे धीरे और अपने विश्वास के साथ कहना चाहिए। मंत्र देने के बाद रोगी की धार्मिक भावना को आघात न पहुंचे तो ओम आनंदम की मधुर ध्वनि करो। ये दोनों पद मधुर स्वर में गाकर एक प्रकार का गुंजन उत्पन्न किया जा सकता है जिससे रोगी की नसों में संगीत की सी प्रवाह धारा बहने लगे। इसका अद्भुत असर होता है। अब रोगी की शिथिलता टूट चुकी होगी। उसके सिर पर हल्का हाथ फिराओ और मुस्कुराते हुए हल्की थपकियां दो। तुम अब अच्छे हो रहे हो, शीघ्र ही अच्छे हो जाओगे। अब तो कुछ शांति है ना, पहले से तो कहीं अच्छे हो। इस प्रकार के वाक्यों से रोगी को बार बार संतोष देना चाहिए। यदि शिथिलता टूटी ना हो तो अब तक रोगी के निकट बैठना चाहिए जब तक वह पूरी तरह सचेत ना हो जाए। अंत में संतोषप्रद वाक्य कहते हुए उसे उत्साहित करना चाहिए। यह या किसी इसी प्रकार की कोई विधि रोगी की मानसिक चिकित्सा के लिए काम में लाई जा सकती है। रोगी यदि पापपूर्ण भावनाओं से दब रहा हो, किसी बुरे काम की प्रतिक्रिया से बीमार पड़ गया हो, बीमारी की दशा में उसे पिछली दुखद घटनाएं याद आ रही हों, तो कोई दान पुण्य का कार्य रोगी के हाथों से कराना चाहिए जिससे उसका मन हल्का हो जाए।
यदि रोगी बहुत कंजूस हो और धन जाने पर उल्टा असर होने की संभावना हो तो उसके हाथों से ऐसा दान करना चाहिए जिससे खर्च कम हो और दान का फल अधिक जीवों को मिलता मालूम पड़े, जैसे चींटियों के लिए थोड़ा सा आटा या शक्कर उनके बिलों पर डलवाना, बंदरों को चने आदि डलवाना। मानसिक चिकित्सा की और भी अनेक विधियाँ रोगी और उसकी स्थिति को देखकर बनाई जा सकती है।